और इन तीनों अधिकारियों को इन्वर्टेड कामा में बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अब आपके द्वारा लिखे गए बयान और जिस बयान पर जबरन आप हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयास कर रही थी उसका साक्ष्य हम। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ईडी CBI का एक तरीके से पर्दाफाश करते हुए नजर आते हैं। यहां पर संजय सिंह की बात की जाए तो हाल ही में यहां पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जा रही है जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्रियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी CBI की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया पर और उनकी संपत्ति पर फिर से हमला बोलने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां पर मनीष सिसोदिया जेल से रिहा ना हो पाए और यहां पर लंबे समय तक जेल में ही बंद रहें। लेकिन यहां पर संजय सिंह कई खुलासा करते हुए नजर आते हैं और संजय सिंह के खुलासे से यहां पर ईडी CBI के अधिकारी बेनकाब हो जाते हैं। मोदी की ईडी CBI सीधे तौर पर संजय सिंह कहते हुए दिखाई देते हैं और वही संजय सिंह की दहाड़ यहां पर ईडी CBI के अधिकारियों पर इस कदर पड़ती है कि वो यहां पर घबराते हुए नजर आते हैं। ईडी CBI के जो तमाम अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर यहां पर अब मोदी के खिलाफ जांच करते हुए नजर आएंगे, ऐसी बात संजय सिंह खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ यहां पर संजय सिंह ईडी CBI के अधिकारियों को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें बेनकाब करते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी और CBI इसका यही काम रह गया, इसका मकसद कोई जांच करना नहीं बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसको फंसाना, उसको बदनाम करना, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को जेल में डालना, उनको प्रताड़ित करना, यह काम रह गया। देश की इन दोनों ईडी CBI की जांच एजेंसी का काम गन पॉइंट पे बयान लेना रह गया, गवाहों से गन पॉइंट पे बयान लेते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं और बयान लेने के बाद फंसाते हैं, जेल में डालते हैं। सबूत कुछ नहीं, तथ्य कुछ नहीं, प्रमाण कुछ नहीं, घोटाला कुछ नहीं, लेकिन धमकाना है, डराना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर उनकी कठपुतली बन के नाचना है, यह काम ईडी और CBI का हो गया है। और कई प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, आज और बहुत सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। क्या भाषा बोलते हैं ये लोग, और इसके दो तीन बड़े किरदार हैं। एक संजय मिश्रा है जो ईडी के डायरेक्टर हैं, दूसरा वहां पर एक महिला अधिकारी है भानुप्रिया, तीसरे एक CBI के अधिकारी हैं अनमोल सचान। आप कल्पना करेंगे, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आपराधिक कृत्य अधिकारी कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध अपने ड्यूटी के साथ। मैं इन सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी तो 75 साल के बाद संन्यास ले लेंगे लेकिन आपको तो आगे भी नौकरी करना है, न्याय कीजिए, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए। यह डराना, धमकाना, यह गन पॉइंट पे बयान लेना, यह कान फाड़ना, यह कहना कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी देख लेंगे, यह सब बंद कीजिए। किसी के बाप को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है, किसी की पत्नी को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है, किसी की मां को बुला के धमकाया जा रहा है। मां बाप पत्नी को पहले अपने साथ एक कमरे में बंद करके रखते हैं, उसके बाद जाके जेल में कहते हैं कि वो सब हमारे कब्जे में है, बयान दे नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। और इन तीनों अधिकारियों को इन्वर्टेड कामा में बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में,
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अब आपके द्वारा लिखे गए बयान और जिस बयान पर जबरन आप हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयास कर रही थी उसका साक्ष्य हमारे पास आ गया और समय रहने पर उसको उजागर करेंगे। बहुत सारे साक्ष्य आप लोगों के हम लोगों के पास आ चुके हैं कि किस तरीके से आप ये पूरी जांच कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा ये षड्यंत्र रच रहे, पूरा खेल कर रहे हैं, उसके पूरे साक्ष्य हमारे पास आ चुके हैं। क्या शुरुआत की जांच की इन्होंने, और इस पूरे मामले में ईडी में आईओ तो है जोगिंदर सिंह, लेकिन उनकी कुछ चलती नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। संजय मिश्रा के इशारे पर भानुप्रिया जो एक महिला अधिकारी है उसको निर्देश दिया जाता है, ऐसे प्रताड़ित करो, ऐसे मारो, ऐसे धमकाओ, ऐसे गालियां दो, ऐसे अपमानित करो, और बयान लिख के जाती है, बयान लिख के बोलती है इस पे साइन कर, ये लिख के दे रही हूं इस पे साइन कर, ये भाषा होती है उस अधिकारी की। और ऐसे तमाम साक्ष्य और प्रमाण हम लोगों के पास आ चुके हैं जो कोर्ट के सामने हम लोग रखेंगे। पहले क्या आरोप लगाया, कहने लगे साहब 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। फिर क्या बोले, बोले 20 से 30 करोड़ का साक्ष्य मिल गया है। 8 महीने तक जांच चली, 8 महीने तक सैकड़ों अधिकारी कई राज्यों में छापेमारी, गिरफ्तारी, प्रताड़ित करना, गुंडागर्दी सब कुछ कर डाले। 100 करोड़ का आरोप, 8 महीने तक जांच, फिर उस 100 करोड़ के फिगर को बदल के 20 से 30 करोड़ रुपए कर देते हैं कि साहब 20 से 30 करोड़ का साक्ष्य मिल गया। 8 महीने बाद कोर्ट ने पूछा भाई 20-30 करोड़ का साक्ष्य कहां है, तो कहने लगे साहब 6 लाख रुपए का साक्ष्य। मजाक सुनिएगा आप, कह रहे हैं 6 लाख रुपए का प्रमाण है, आरोप है 100 करोड़ का, फिर आए 20-30 करोड़ पे, फिर प्रमाण दे रहे हैं 6 लाख रुपए का। यह इनकी जांच, यह इनकी नौटंकी, यह इनका ड्रामेबाजी। अभी 2 दिन पहले से क्या शुरू किया है, 17 करोड़ का सबूत मिल गया। आप रोज नए ड्रामे कर रहे हो, रोज नया मजाक बना रहे हो, आप आपकी ईडी सीबीआई कोई जांच एजेंसी है या कॉमेडी कंपनी है, आपने एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट खोल रखा है। पहले कहोगे 100 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 20 से 30 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 6 लाख का साक्ष्य, फिर कहोगे 17 करोड़ का है। अब कुछ नहीं मिला तो अब 17 करोड़ का एक और मिला। इतना ही अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से नफरत है तो मैं तो प्रपोजल दे चुका हूं प्रधानमंत्री जी को कि किसी चौराहे पे खड़ा करके हम लोगों को तोप से उड़वा दीजिए। इतनी नफरत क्यों रखते हो भाई, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा। फिर 2 दिन पहले से शुरू कर दी 17 करोड़। अब 1 साल तक 17 करोड़ की जांच चलेगी, 1 साल तक सबको जेल में धमका धमका के रखो, और ये 17 करोड़ की जांच के लिए भी वही टैक्टिस, डराओ धमकाओ झूठे बयान लो, वही टैक्टिस। कोर्ट ने 8 महीने के बाद जब पूछा भाई सबूत तो दो, आरोप लगा रहे हो 100 करोड़ के घोटाले का, कोई तो सबूत दो, 1 रुपए का ना घोटाला हुआ है ना 1 रुपए का इनके पास कोई सबूत है। जैसे कि आपने संजय सिंह को सुना, सीधे साफ शब्दों में संजय सिंह ने नाम लेते हुए इन अधिकारियों को बेनकाब किया और ये कहा है कि अब जब ये पूरा मामला कोर्ट में उठता हुआ नजर आ रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और मनीष सिसोदिया के खिलाफ ऐसे ही मुहिम चलती रही तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश के अलावा एक और मुद्दा उठता हुआ नजर आएगा, वो होगा ईडी सीबीआई के अधिकारियों को सस्पेंड करना, वो होगा मोदी सरकार की जाँच करना, क्योंकि यहाँ पर ईडी सीबीआई लगातार विपक्ष
विपक्षी पार्टियों की जांच करता हुआ नजर आता है, लेकिन जितना भ्रष्टाचार मोदी सरकार में भरा हुआ है और जितना घोटाला मोदी सरकार करती है उसको अब बेनकाब करने की बारी आ जाती है। तो अब ऐसे में देखा जाए तो ईडी सीबीआई के अधिकारियों को लेकर अब संजय सिंह कोर्ट में जाने की बात करते हैं और सीधे तौर पर बेनकाब करने की बात कहते हुए नजर आते हैं। अब ये मामला यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट में उठता हुआ नजर आएगा तो ईडी सीबीआई के अधिकारियों को अपना मुंह भी खोलना पड़ेगा, सच भी जाहिर करना पड़ेगा कि किनके इशारों पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को फंसाया जा रहा है। अब ऐसे में अगर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में उठता हुआ नजर आएगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ईडी सीबीआई के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा, मोदी सरकार की जाँच होती हुई नजर आएगी, क्या कुछ लगता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।